हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही लगा लिया था और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। और वैसे तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तभी ये काम हो पाता है। बच्चे जाने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो टाइम तो है ही, अभी तो पोछा भी लगा लेते हैं साथ साथ। तो मैंने यहाँ पर पोछा भी लगा लिया है। कभी कभी तो मैं पोछा नाश्ता करने के बाद लगा लेती हूँ, तो कभी जल्दी लगा लेती हूँ, मतलब जैसा मुझे अपना टाइम सूटेबल लगता है उस टाइम पर मैं कर लेती हूँ। तो आज गर्मी भी बहुत हो रही थी, बारिश तो हो रही लेकिन उमस भी बहुत हो रही थी। तो फिर अभी बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश, वैसे इतनी तेज़ तो नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत ही हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। और यहाँ पर लगा रखे हमने गार्डन में भिंडी वगैरह और कुछ कुछ पेड़ हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इसमें हो ही जाती है थोड़ा बहुत भिंडी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी हो रहा है मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, तो अभी यहाँ पर भी बारिश स्टार्ट होने लग गई और मैं अभी आ चुकी हूँ नहा के आने के बाद। और अब मैं बनाती हूँ खाना वगैरह, क्योंकि अभी हस्बैंड को भी जाना है ड्यूटी। तो मैंने वगैरह दाल वगैरह तो मैंने रख दी है, अब आगे की काम करती हूँ, उसके बाद करती हूँ पूजा वगैरह क्योंकि इनको जाना है जल्दी। और यहाँ पर बना रखी है आज हमने अपने गार्डन की सब्ज़ी, और क्योंकि ये अभी ताज़ा तोड़ रखी है तो बहुत अच्छी लग रही थी काटने में भी, क्योंकि सॉफ्ट हो रही थी। फिर कुकर में मैंने दाल वगैरह भी चढ़ा दी थी और फिर दूसरे वाले कुकर में मैंने चावल वगैरह भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि मेरा ज़्यादातर रूटीन यही रहता है मॉर्निंग में, दाल चावल रोटी सब्जी सब एक साथ बनानी पड़ती है, क्योंकि हस्बैंड भी सुबह दाल चावल खा के जाते हैं, क्योंकि वो दिन में लंच करने के लिए नहीं आते हैं, तो मुझे मॉर्निंग में ही सब बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में चावल वगैरह भी लगा दिए थे। और ज़्यादातर मेरा मॉर्निंग का रूटीन ऐसा ही रहता है, बच्चों के लिए सुबह ही टिफ़िन बना देती हूँ और उसके बाद फिर हस्बैंड जाना होता है तो 9:30 बजे तक मेरा ऑलमोस्ट सारा खाना बन जाता है। फिर यहाँ पर मैं साथ ही साथ रोटियां बनाने में भी लग गई, क्योंकि किचन का काम एक बार ख़त्म हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आराम से अपना मंदिर का काम वगैरह करूँगी, क्योंकि फिर हस्बैंड का ये टाइम होता है जाने का। फिर खाना वगैरह मेरे बन गया था और हस्बैंड को भी खिला के वो भी चले गए थे ऑफिस को। फिर उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर में, और मंदिर में यहाँ पर पहले मैंने भगवान जी वगैरह धोए, साफ़ सफाई करी, उसके बाद फिर मैंने इनको टीका वगैरह लगाया, क्योंकि मंदिर के काम करने में भी टाइम लग जाता है, फिर मैं इसको उनके जाने के बाद ही आराम से कर पाती हूँ। फिर पूजा करने के बाद मैं भी ले आई थी अपना नाश्ता, और ये सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी हो रही थी, क्योंकि अपने गार्डन की है, कोई इसमें केमिकल या कोई कुछ नहीं था, तो बहुत टेस्टी हो रही थी। नाश्ता करने के बाद फिर मैं थोड़ा देर बाहर बैठ गई थी और बारिश को देखने लग रही थी, बारिश कब रुकेगी करके, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह धोए थे तो वो डालने थे छत में। और यहाँ पर मैंने अपने प्लांट की भी सफाई करनी है, और ये है जेट प्लांट, इसको भी मैंने सही करना है। फिर उसके बाद थोड़ा बारिश कम हो गई थी तो मैं चली गई थी कपड़े डालने छत में, लेकिन बारिश का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, तो मैंने यहाँ पर इनको मशीन में पहले थोड़ा सुखा भी लिए थे, ताकि थोड़ा बहुत हवा भी लग जाएगी तो कम भी सूखेंगे तो मैं सीढ़ी वगैरह में डाल दूँगी। फिर उसके बाद दिन का टाइम भी हो गया था, फिर बच्चों को लाने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह भी बच्चों को दे दिया था, और मैं यहाँ पर अपना खाना वगैरह भी ले आई थी। सुबह से टाइम का पता ही नहीं चलता, काम करते करते कब दिन हो गया पता ही नहीं चलता है। खाना खाने के बाद मैं करने लगी थी यहाँ पर किचन का काम, बर्तन वगैरह। उसके बाद पहले मैंने जो टोकरी में जितने बर्तन थे वो सब बर्तन लगा दिए थे, क्योंकि फिर एक ही साथ बहुत सारे हो जाते हैं, फिर मैंने इनको अपनी जगह पर रख दिया था। ज़्यादातर हम लेडीज़ों का टाइम किचन में ही बीतता है, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग से लेकर सारा दिन हम किचन में ही रहते हैं, फिर सब कुछ मैनेज करना होता है बच्चों के साथ साथ, फिर घर वगैरह भी देखना पड़ता है। और यहाँ पर फिर मैं करने लगी थी किचन की सफ़ाई, और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पर उसको पोछा वगैरह मार रही थी, क्योंकि दाल वाल के छींटे वीटे यहाँ वहाँ लग ही जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर साथ ही साथ बर्तन वगैरह भी धो लिए थे जितने बर्तन थे। Thank you.
और यहाँ पर हो गया है मेरा किचन पूरा क्लीन। अभी हो रहा है दिन का टाइम, हो गया होगा 2:30 होंगे, तो मैंने भी खाना वाना खा लिया है और अब मैं बच्चों को थोड़ा देर सुला देती हूँ और मैं भी थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर ये है शाम की चाय, दिन में उठने के बाद फिर मुझे चाय तो चाहिए ही होती है, तो मैं एक बार भी चाय ज़रूर पीती हूँ। और फिर चले गए थे हम शाम को इवनिंग वॉक में। वैसे तो मैं रोज़ इवनिंग वॉक में जाती हूँ, जब टाइम मिलता है तब चले जाती हूँ, जैसे बच्चों का होमवर्क वगैरह जल्दी हो जाता है तब चले जाती हूँ। और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, मिलती हूँ आपके अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।